गुड मॉर्निंग यूट्यूब, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुकिंग विद फिरदौस में आप सभी का स्वागत है। आज 15th ऑफ अगस्त है, सो आई विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बनाने जा रहे हैं अ ट्राइकलर वनीला मफिन्स। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें बैटर प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए हमें चाहिए 2 एग, 1 कप पाउडर शुगर, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हमें 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना होगा, और बीट करते हुए हमें एक अच्छा सा बैटर प्रिपेयर करना होगा, एक फ्लफी सा बैटर। तो चलिए 10 मिनट होने आ गए हैं, ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा रेडी हुआ है। दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून। उसी के साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल 1/4 कप, और फिर से हम इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर, अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए मैंने विस्कर लिया है, और विस्कर की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से छान लूँगी। आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल हो आप उससे इस चीज़ को छान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको विस्कर का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए किस तरीके से मैं इसे छान रही हूँ। अब आपको इसमें ऐड करना होगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे बीट नहीं करना है। अब हमें स्पैचुला और विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और एक परफेक्ट बैटर बनाना है। ये देखिए विस्कर से मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए अब हमें इसमें ऐड करना होगा 1/4 कप मिल्क। इसे हमें स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, उसके बाद हमें विस्कर से विस्क करना होगा ताकि बैटर जो है हमारा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए विदाउट एनी लंप फॉर्मेशन। स्पैचुला की मदद से हम बाउल को क्लीन कर लेंगे और बैटर को एक जगह कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्टली रेडी है। अब हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एज वी आर मेकिंग अ ट्राइकलर मफिन्स तो इसे 2 अलग अलग बाउल्स में डिवाइड कर लेंगे। हमें हरे और ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना होगा इस बैटर को कलर करने के लिए। एक बैटर जो रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा, उसे हम वाइट अज्यूम करके चलेंगे, और जो 2 बैटर हम बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे हम कलर करेंगे। एक में हम 10 ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन कलर डालेंगे और एक में 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज कलर। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कलर आ गया है। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट कलर। अब हमें मोल्ड लेना होगा कपकेक्स का, उसे हमें ऑयल से ग्रीस करना होगा। ऑयल से ग्रीस करने से ये होगा कि आपका जो पेपर कप्स होगा वो चिपकेगा नहीं। इवन पेपर कप्स को भी आपको ऑयलिंग करनी है ताकि आपका मफिन्स पेपर में स्टिक ना हो जाए। ये देखिए सबसे पहले अरेंज कर दीजिए, उसके बाद ग्रीसिंग कर दीजिए विथ ऑयल। ओवन को प्रीहीट कर लीजिए। अभी देखिए बैटर ट्रांसफ़र कैसे करना है। डाउन में हमें ग्रीन कलर करना है, जैसे कि आपको फ्लैग का कलर पता है, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट
एंड नीचे ग्रीन। ये देखिए ग्रीन कलर मैं अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ हमारे कप में। तब तक कि हमारा ओवन जो है 10 मिनट्स के लिए प्री हीट हो जाएगा और हमारा बैटर जो है वो मोल्ड में रेडी हो जाएगा। थोड़ा टैप कर दीजिए उसे ताकि जो बैटर है अच्छे से सेटल हो जाए, बिकॉज बाकी दो कलर डालने के बाद आप टैप नहीं कर पाओगे, अदरवाइज सारे कलर एक दूसरे में जंबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टैपिंग, उसके बाद आपको टैप नहीं करना है। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज़ अ वाइट कलर, सो इसे हम मिडल में पोर करेंगे। सी हाउ आई एम पोरिंग जस्ट लाइक दैट। ओके, बिल्कुल भी हमें टैप नहीं करना है, जस्ट अंदाज से हमें एक मिडिल लेयर प्रिपेयर करनी है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने स्पून के अंदाज से किया है। लाइक वन स्पून और वन एंड हाफ स्पून अगर ग्रीन कलर मैंने लिया है, सो उसी सेम क्वांटिटी में वाइट एंड ऑरेंज। ये देखिए अब हमें ऑरेंज कलर ऐड करना होगा। अच्छे से टॉप लेयर हमें ऑरेंज कलर से करनी है विदाउट टैपिंग अ ट्रे। ये देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका ऑरेंज कलर इवनली स्प्रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब बेक होगा सो डेफिनेटली वो बहुत ही खूबसूरती से तीनों कलर आपको दिख कर आएगा, सो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर कोई कोर रह जाती है तो डजेंट मैटर। ये देखिए अब हमें इसे बेक करना होगा। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, अब मैंने इसे ओवन में रख दिया है। बेकिंग टाइम हमारा 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये देखिए 180 डिग्री फॉर 20 मिनट्स। तो चलिए फटाफट से, अब टाइम हो गया है, 20 मिनट्स होने आ गए हैं। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं हमारा ओवन और देखते हैं कि हमारा ट्राई, ओ माय गॉड, अ वेरी वेरी फ्लफी ट्राई कलर वनीला मफिन्स आर रेडी। सी दिस, बहुत ही केयरफुली आपको निकालना है। प्लीज़ यूज़ ग्लव्स वाइल रिमूविंग द बेकिंग ट्रे। सी दिस, वाओ, इट्स रियली नाइस, इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अ वेरी वेल बेक्ड। चलिए हम फटाफट से इसे ट्रे में निकाल लेते हैं। मैंने इसे नाइफ़ की मदद से निकाला है, आप किसी की भी मदद से, स्पून की मदद से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही कीजिए। ज़रूरी नहीं है अगर मैंने नाइफ़ से निकाला है तो आपको भी नाइफ़ से ही निकालना है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है तरीका आप वो यूज़ कीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसके पेपर कप्स रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। सी दिस, वेरी 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 ब्यूटिफुली बेक ट्राई कलर वनीला मफिन्स। सी दिस, सी द कलर, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने घर में बनाइए, क्योंकि आज 15th of August है, इंडिपेंडेंस डे है, तो अपने घरों में बनाइए और इसे ज़रूर खिलाइए। ये देखिए अ वेरी सॉफ्ट एंड अ वेरी यामी लुकिंग वनीला मफिन, वेरी वेरी सॉफ्ट। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए।
वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पास वाले बेल आइकन को क्लिक करके ला दीजिए।